अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ आलू गोश्त, और आलू गोश्त की जो रेसिपी है वो नए तरीके से थोड़ी बनाने लगी हूँ। वैसे तो अमूमन लोग ऐसे बनाते हैं कि सारा कुछ प्रेशर में डाल देते हैं इकट्ठे और जो है उसको चूल्हे पर रख देते हैं, लेकिन मैं सबसे पहले गोश्त की यखनी तैयार करती हूँ। और वो यखनी कैसे इस्तेमाल करती हूँ ये आप देखिए इस वीडियो में। सबसे पहले हमने एक प्याज डाली है इसमें, ये एक प्याज मैं डाल रही हूँ इसमें। ज़ीरा डाला है, काली मिर्च डाली है साबुत और पीसी हुई, ठीक है। जो साबुत है आप उसको तीन से चार ले सकते हैं, तीन से चार या छः जितनी भी आपको पसंद है। और जो पीसी हुई है वो आपने एक चम्मच डालनी है। एक चम्मच इसमें नमक का डालना है, ठीक है। लहसुन आप साबुत डाल दें, और अदरक मैंने कुटी हुई डाली है थोड़ी सी, ठीक है। और अगर आपको इलायची वगैरह पसंद है तो आप डाल सकते हैं, वैसे मैंने नहीं डाली। आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आती है तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और बेल आइकॉन का बटन को प्रेस कीजिएगा, और क्या कहते हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। अब हम इस प्रेशर को बंद करेंगे और यहाँ पे आंच जलाएंगे। जब इसकी सीटी बोलेगी तो हम 25 से 30 मिनट के लिए गोश्त को रखेंगे ताकि वो अच्छे से गल जाए। यहाँ पे हम करने लगे हैं अब जो आलू गोश्त के लिए हैं, यहाँ पे मैंने ये तीन से चार कुटी सब्ज मिर्च को जो है वो किया, कूटा है अच्छे से या ग्राइंड कर लें जैसे भी। अभी मैं टमाटर काट रही हूँ और फिर मैं आपको बताती जाऊँगी कैसे कैसे तैयार करना है। यहाँ पे मैं सैलड तैयार कर रही हूँ साथ साथ। ये मैं वैसे तो छोटी छोटी भी सैलड आप कर सकते हैं, लेकिन बस मेरी फैमिली को ज़रा ये ऐसे पसंद है तो मैं इसलिए इसको राउंड शेप में कर रही हूँ। ये ऐसे गोल गोल प्याज पसंद है राउंड में। मेरी सैलड तैयार हो गई है, इसको मैं फ्रिज में रखूँगी। ये हम काट रहे हैं, ये हम फ्रूट चाट बना रहे हैं अफ्तारी के लिए। चलें जी, ये हमारी यखनी तैयार है, अब हम इसको निकाल लेंगे। रेनिंग टाइम एंड आफ्टर स्टार्ट टाइम। चलें जी, अब हम इसमें तीन चम्मच ऑयल के डाल रहे हैं। इसमें ये टमाटर और कुटी हुई सब्ज मिर्च, एक चम्मच लाल मिर्च,
एक चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ, आधी चम्मच हल्दी हद पे जरूरत, आधा चम्मच नमक डालेंगे और अब इसको अच्छे से भूनेंगे हम। दो चम्मच हम इसमें दही की डालेंगे। इसे मिक्स करेंगे। ये देखिए इसको हम अच्छे से भून रहे हैं। अब हम इसमें आलू डालेंगे। ये देखिए देखें जी, इसको हम अच्छे से भून रहे हैं और बड़े ज़बरदस्त लग रहे हैं आलू गोश्त, इनकी भुनाई बहुत ज़बरदस्त हो रही है। अब हम इसमें ये यखनी डाल देंगे जो हमने निकाली थी। आंच पे रख देंगे। ये देखें अब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे और इसको हल्की आंच कर देंगे। और अब ये आलू इसमें गल जाएंगे अच्छे से। ये देखें भाई का मौसम ख़राब है और बिजली चमक रही है। चलें जी अब हम इसको इसमें निकालते हैं। चलें जी ये अब हमारा तैयार है आलू गोश्त और साथ में सैलड। तो चलते हैं फिर, अल्लाह हाफिज़। कल फिर अपनी दुआओं में याद रखेंगे, फिर एक नई रेसिपी के साथ आएंगे इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।